नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर 200। सूर्य कुमार यादव ने तोड़ा 11 साल पुराना रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना मुश्किल है। तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी सूर्य कुमार के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के मध्य क्रम के शानदार विश्वसनीय बल्लेबाज के तौर पर उभर रहे हैं। मैच दर में उनका खेल निरंतरता देखा जा रहा है और वो शानदार एंटरटेनर बनाए जा रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद इसी टीम के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में उन्होंने बेजोड़ अर्धशतकीय पारी खेली। उनकी इस दम पारी के दम पर भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन का स्कोर खड़ा किया। सूर्य कुमार यादव ने अब तक भारत के लिए 4 T20 मैच खेले हैं और इनकी 3 पारियों में उन्होंने 46.33 के औसत से 139 रन बनाए हैं। उनका अब तक का बेस्ट स्कोर 57 रन रहा है। सूर्य कुमार अब भारत की तरफ से अपनी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की पहली 3 पारियों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने गौतम गंभीर को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने अपनी पहली 3 पारियों में 109 रन बनाए थे। बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 5 चौके व 2 शानदार छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 147.06 का रहा। वहीं अपनी पहली 3 T20 पारियों में ये उनका दूसरा अर्धशतक था। सूर्य कुमार यादव अब गौतम गंभीर की तरफ से अपने T20 करियर की पहली 3 पारियों में 2 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया था और इंग्लिश टीम के खिलाफ ही अपने T20 करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने पिछले 3 T20 पारियों में 57, 32 और 50 रन की पारी खेली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम सूर्य को वर्ल्ड कप में मौका देगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।